सो आज हम बात करने वाले हैं, ये जो हमारी मशीन है ला कार्मेली मशीन, ये इटालियन ब्रांड है बेसिकली। इस मशीन के हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है, इस मशीन को करने से पहले इस मशीन को अगर हम ऑन है इस मोड में, हमने इसको रखा हुआ है प्रॉपर मोड, यूज करने वाले मोड में, तो हमें ना इसको ऑफ करना होता है। तो मेक श्योर ये हमारा ऑन ऑफ का बटन रहता है, इसको हमने कर दिया ऑफ और अभी हमारी मशीन जो है पूरी जा चुकी है ऑफ मोड में। अब हमने क्या करना है इसकी प्रोग्रामिंग के लिए, ये हमारा मैनुअल बटन होता है ये वाला चीज, इसमें दो ग्रुप हेड हैं लेफ्ट एंड राइट, तो हमें राइट से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें फोकस करना होता है लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। तो ये है आपका मैनुअली, इसको हमने ना लॉन्ग प्रेस करके अभी से रखना है, फिर उसके बाद हमने जो हमारा स्विच हमने बंद किया है उसको ऑन करना है और कुछ इस तरीके से आपकी जो मशीन है वो ऑपरेट होना शुरू होगी। अब ये जो है आप देख रहे होंगे ये वाले ग्रुप हेड की कोई भी लाइट्स नहीं जल रही है, इसका मतलब है ये प्रोग्रामिंग मोड में जा चुका है। साथ ही साथ अगर आप ये देखेंगे इसमें देखिए प्रोग्रामिंग मोड में प्रॉपर तरीके से आ चुका है। यहाँ पे क्या है, ये आपके मोड है जहां पे आप मोड को चेंज करते हो, ये आपका एग्जिट बटन है, जब आप एग्जिट करते हो ये अप एंड राइट मतलब आगे पीछे करने वाले बटन है जनरली वो है। तो अभी सबसे पहले प्रोग्रामिंग है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या करना है, आप इसमें अलग अलग तरह की लैंग्वेज आती है कुछ इस तरीके से, अभी ये हम बाहर आ चुके हैं, हम दोबारा इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये हमारा लैंग्वेज में है। अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं इसको तो आप टेम्परेचर उसको अप डाउन कर सकते हैं, फारेनहाइट में हो गया है, सेल्सियस में हो गया है, आप चाहे बॉयलर का टेम्परेचर यानी कि जो पानी इस ग्रुप हेड से निकलता है वो बॉयलर टेम्परेचर कहलाता है, आप उसको भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अभी इसमें 120 है और उसको जैसे आप 122 123 जितना भी चाहें आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो, बट हम इसको 120 ही रखेंगे किसी कंपनी स्टैंडर्ड है। ऑलराइट, हम फिर दोबारा प्रेस करते हैं तो आपका प्रिमिजन वैल्यू आ गया है। यहाँ पे हम दोबारा से अपने जो इसके जो शॉर्ट्स होते हैं, इसे लॉन्ग शॉर्ट एंड शॉर्ट शॉर्ट जो कुछ होता है टेक्निकली टर्म्स, उसके लिए यूज करते हैं। बेसिकली आपकी नीड की नहीं है बट आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। वाटर फिल्टर प्रेस है, इस मशीन के अंदर कुछ फिल्टर लगे हुए हैं जैसे कि आरओ फिल्टर होते हैं, इस तरीके से इस मशीन के अंदर भी वाटर का फिल्ट्रेशन लगा हुआ है। तो अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑफ कर सकते हैं, बट हम इसको ऑफ नहीं करना चाहते, हम इसको ऑन ही रहना देना जिससे कि पानी का फिल्ट्रेशन होता रहे। देन आपका इंटरफेरेंस है, ये आपका ये इंटरफेरेंस, इसको आप चेंज और ऑफ कर सकते हैं, आप क्रोबो एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, हम इसको अनेबल ही रखेंगे। अगेन हम लैंग्वेज में आ जाते हैं, लैंग्वेज को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप देखते हैं कि चेंज होता जा रहा है यहाँ पे, बट हमें इंग्लिश प्रेफरेंस ज़्यादा बेहतर है तो हम इंग्लिश में रखेंगे और इसको हम करके जो है वापस आ जाएंगे, उसी पे लिंक प्रेस करेंगे तो ये इस मोड में हो जाती है। तो ये आपका दोबारा फिलिंग मोड में है, मतलब पानी ये फिल कर रहा है, पानी ऐसे ही फिलिंग कर लेगी, ये आपकी मशीन टोटल नॉर्मल मोड में हो जाती है। जब ये सेलेक्ट ड्रिंक नाम का ही ऑप्शन आएगा तब जाके आपकी मशीन यूज करने के लायक होती है। एंड ये आपका बेसिक प्रोग्रामिंग है। थैंक यू।